डियर स्टूडेंट्स आई वेरी वन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई टूडेज लेक्चर ऑफ बिजनेस स्टेटिस्टिक्स इन टूडेज लेक्चर वी विलू टेल्ड टेस्ट फॉर डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू सैंपल्स लार्ज सैंपल्स के रिगार्डिंग हम मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में आज के लेक्चर में हम लार्ज सैंपल के रेफरेंस में अगर हमें दो सैंपल्स के मीन्स के डिफरेंस के रिगार्डिंग टू टेल्ड टेस्ट को फॉलो करना पड़े तो उसको हम किस तरीके से फॉलो करेंगे और उसके रिगार्डिंग किन किन पर्टिकुलर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे उसे हम डिस्कस करेंगे यदि दो इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल्स हैं जिनका सैंपल साइज एन वन और एन टू है और एन वन और एन टू दोनों का जो सैंपल साइज़ है वो ग्रेटर देन थर्टी होना चाहिए तभी तो लार्ज सैंपल कहलाएगा ये और इनको अगर सेम पॉपुलेशन से ड्रॉ किया गया है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है तो हम दोनों सैम्पल मीन्स के डिफरेंस के स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के हेल्प से क्या फॉर्मूला होगा एस ई ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन्स दैट इज एस ई एक्स वन बार डिफरेंस एक्स टू बार इजिकल टू रूट सिग्मा स्क्वायर वन अपॉन एन वन प्लस वन अपॉन एन टू दैट इज क्लियर अगर आपको सिग्मा नहीं पता है यानी कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एविएशन आपको नहीं पता है तो फिर जो सैंपल डेविएशन है कंबाइंड सैंपल के लिए उससे इसको सब्सिट्यूट किया जा सकता है तो हम पॉपुलेशन की जगह सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज कर सकते हैं इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्मूला है इसको हम आगे स्टडी करते हैं सेकेंड वन में अगर दो रैंडम सैंपल्स हैं जिनमें से एक का मीन स्टाइवेशन और सैंपल साइज एक्स वन बार सिगमा वन और एन वन है और दूसरे का एक्स टू बार सिगमा टू और एन टू है और इनको अगर डिफरेंट पॉपुलेशन से ड्रॉ किया जाता है तो फिर इन दोनों के सैंपल मीन्स के डिफरेंस के एसी को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मुला यूज करते हैं अंडरवुड सिग्मा वन स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस सिगमा टू स्क्वायर अपॉन एन टू ठीक है जहां सिग्मा वन और सिग्मा टू दोनों पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड एविएशन को डिफाइन करता है अब इस पर्टिकुलर केस में हमें नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है और नल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि दो सैंपल्स के मींस के बीच में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है इसका मतलब एच जीरो सच दैट म्यू वन इजिकल टू मी टू हाइपोथेसिस जो ये कहती है कि दोनों सैंपल मीन के डिफरेंस के से, दोनों सैंपल्स के मीन में कोई भी डिफरेंस नहीं है और उसके अगेंस्ट में एक ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट की जाती है वो क्या है एच वनवल टू म्यू टू यानी कि दोनों के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ये कहती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और इसके रेफरेंस में ही हमें स्टैंडर्ड एरर को कैलकुलेट करके नल या ऑल्टरनेटिव दोनों में से किसी एक हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना होता है और किसी एक को रिजेक्ट करना होता है नाउ वी विल डिस्कस वन ऑफ द न्यूमेरिकल इन दिस रेफरेंस द न्यूमेरिकल इज एज फॉलोस इंटेलिजेंस टेस्ट ऑन द टू ग्रुप्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स गेव द फॉलोइंग रिजल्ट्स गर्ल्स बॉयज इनके रेफरेंस में मीन स्टैंड और सैम्पल साइज एंड दे रखा है इज देअर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन स्कोर्स ऑप्टेन बाय बॉयज एंड गर्ल्स तो यहाँ पर आपको पता करना है कि जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पर बॉयज़ और गर्ल्स के द्वारा ऑप्टेन किए गए मीन स्कोर में क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है हमें इसको प्रॉपरली फाइंड आउट करना है तो हम सबसे पहले तो हाइपोथेसिस एज्यूम करेंगे कि जो बॉयज और गर्ल्स के द्वारा मीन स्कोर ऑप्टेन किया गया उसमें कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है सो अस टेक द हाइपोथेसिस That there is no significant difference in the mean score. obtained बाय boys and girls ठीक है अब हम निकालेंगे स्टैंडर्ड एरर फॉर डिफरेंस बिटवीन द मीन और इसका फॉर्मला क्या है इसका फॉर्मला है अंडर रूट सिग्मा वन स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर अपॉन एन टू ठीक है ना डाउन द वैल्यूज सिग्मा वन स्क्वायर तो सिग्मा वन स्क्वायर दे रखा है फिफ्टीन तो फिफ्टीन का स्क्वायर है फिफ्टीन का स्क्वायर अपॉन एन वन दे रखा है आपको वन फिफ्टी प्लस सिग्मा टू स्क्वायर यानी कि ट्वेंटी का स्क्वायर अपॉन एन टू तो रखा है टू फिफ्टी सॉल्व कर लीजिए इसको अंडर वुड फिफ्टीन का स्क्वायर आएगा टू ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी फाइव और वन फिफ्टी तो ये आएगा आपके पास पंद्रह 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 सौ पच्चीस वन पॉइंट फाइव आ जाएगा यदि बीस का स्क्वायर आएगा चार सौ चार सौ का डिवाइड करोगे तो पच्चीस का पच्चीस और पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर और पच्चीस पच्चीस छक्का डेढ़ सौ वन पॉइंट सिक्स आ जाएगा तो ये आएगा अंडर के अंदर वन पॉइंट फाइव प्लस वन पॉइंट सिक्स छह पाँच ग्यारह एक और एक दो और एक तीन अंडरवुड का थ्री पॉइंट वन और थ्री पॉइंट वन का अंडरवुड आएगा दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन सिक्स ये किसके क्लियर हो गई दिस इज द वैल्यू ऑफ ए सी अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ डिफरेंस अपॉन ए सी की सो डिफरेंस अपॉन ए सी डिफरेंस कितना है मीन है गर्ल्स का सेवेंटी फाइव और बॉयज़ का सेवेंटी सेवेंटी फाइव माइनस सेवेंटी अपॉन एस सी कितना आया वन पॉइंट सेवन सिक्स ये आएगा फाइव अपॉन वन पॉइंट सेवन सिक्स अगर फाइव को डिवाइड करोगे वन पॉइंट सेवन सिक्स से तो ये वैल्यू आ जाएगी टू पॉइंट एट फोर ठीक है अब हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे तो उसके लिए हम एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं तो मान लीजिए हम अगर वन परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को लेकर चलते हैं तो एट वन परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो एक परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की अगर बात करी जाए तो इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जो डिफरेंस है डिफरेंस को कंपेयर करते हैं हम क्या वैल्यू थी यहाँ पर टू पॉइंट फाइव एट ऐसी होती है टू पॉइंट फाइव एट ऐसी है. और डिफरेंस अपॉन एसी कितना आया निकल गया आपका टू पॉइंट एट फोर तो जो टू पॉइंट एट फोर आएगा ये ये टू पॉइंट फाइव एट एस ई से क्या होगा ये से ज़्यादा होगा इट इज मोर देन टू पॉइंट फाइव एट ए सी वन परसेंट डिवेल ऑफ सिग्निफिकेंस पर ज्यादा होगा ठीक है इसका मतलब हाइपोथेसिस क्या होगी सो so, हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड कम होता तो ऐसा कर लेते लेकिन ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी इसका मतलब देयर सीम्स टू बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस देयर सीम्स टू बी सिग्निफिकेंट Difference between the mean scores obtained by boys and Girls. Okay, yeah? Now we come to the next numerical. The numerical is a man buys 50 electric bulbs of Philips and 50 electric bulbs of HMT. He finds that Philips bulbs give an average life of 1500 hours with a standard deviation of 60 hours, and HMT bulbs give an average life of 1512 hours with a standard deviation of 80 hours.

Hypothesis that there is no significant difference in the लाइफ ऑफ टू मेक्स ऑफ बल्बस ठीक है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये दो मेक्स ऑफ बल्ब्स हैं फिलिप्स और एच इनकी मेन लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो हम क्या निकालेंगे अब स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे तो स्टैंडर्ड एरर एक्स वन बार डिफरेंस एक्स टू बार ठीक है तो इसके रेफरेंस में स्टैंडर्ड आर निकाल लीजिए क्या होगी स्टैंडर्ड आर रूट सिग्मा वन स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर अपॉन एन टू ठीक है तो वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ पर सिग्मा वन स्क्वायर कितने दे रखा है फिलिप्स के रेफरेंस में स्टैंडर्ड दे रखा है सिक्सटी तो यह आएगा सिक्सटी का स्क्वायर सैम्पल साइज कितना है फिफ्टी इलेक्ट्रिक बल्ब ए सीमट स्क्वायर ये दे रखा है आपको एट्टी आवर्स का तो एट्टी का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय एंड टू कितना दे रखा है आपको दैट इज ऑल्सो इक्वल टू फिफ्टी ठीक है तो ये आपको अंडर रूट के अंदर ये जाएगा फिफ्टी एल सी में जाएगा यहाँ पर सिक्सटी का स्क्वायर कितना छत्तीस सौ और एट्टी का स्क्वायर आएगा अठोटी चौंसठ सौ अंडरवुड के अंदर चौंसठ सौ छत्तीस सौ ये आएगा आपके पास दस हज़ार और डिवाइड बाय फिफ्टी तो इसका मतलब ये जाएगा आएगा अंडरवुड के अंदर जीरो से जीरो कर जाएगा पाँच दूनी दस दो सौ और टू हंड्रेड का जो अंडरवुड आप निकालोगे तो ये आएगा फोर्टीन पॉइंट वन फोर टू हंड्रेड टू वन पॉइंट फोर वन फोर होता है और हंड्रेड का 10 आएगा तो ये 14.14 पॉइंट वन फोर आ जाएगा इसका अंडरवुड ठीक है नाउ अब हमारे पास वैल्यू निकालनी है डिफरेंस अपॉन एसी की तो डिफरेंस अपॉन ए कितना हो गया डिफरेंस का मतलब हो गया मीन लाइफ कितनी कितनी दे रखी है फिफ्टीन टवेल्व दे रखी है और एक दे रखिए फिफ्टीन हंड्रेड तो ये डिफरेंस हो गया दोनों तो की मीन लाइफ का अपॉन ए कितना निकाला है हमने फोर्टीन पॉइंट वन फोर का इक्वल कितना आएगा ट्वेल्व अपॉन फोरटीन पॉइंट वन फोर और ये कितना जाएगा ये वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी पॉइंट एट फोर नाइन के इक्वल ठीक है तो ये वैल्यू आपके पास आ गई पॉइंट एट फोर नाइन अब क्या करना है मुझे? अब मैं देखना है कि जो डिफरेंस आया है डिफरेंस अपॉन ऐसी जो हमने कैलकुलेट करा है वो क्या है टू पॉइंट फाइव एट ऐसी। ये वन परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर रहा हूँ इससे क्या है ये कम है ठीक है किस पर एट वन परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तो वन परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर जो डिफरेंस अपन ऐसे की वैल्यू है वो टू पॉइंट फाइव एट ऐसी से क्या है कम है इसका मतलब हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी सो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और नल हैप एक्सेप्ट हो गई इसका मतलब जो दोनों मेक्स ऑफ बल्ब हैं उनके बीच उनके मीन में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है ठीक है हैंस द डिफरेंस इन मीन लाइफ Of the two makes is not significant. Okay, thank you.